हम सब ये एग्जाम के टाइम पे यही सोच रहे होते हैं, भगवान इस बार तो पास करा दो, अगली बार अच्छे से पढ़ लूंगा। लेकिन ये अगली बार आता ही नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम के लिए हम लेके आए हैं बेस्ट स्टडी रूटीन फॉर एग्जाम्स। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो जल्दी से कर लो। अब चलते हैं वीडियो में। स्टार्ट योर डे विद द राइजिंग सन। कई साइंटिफिक स्टडी शो करते हैं सनलाइट के साथ हमारी बॉडी का एक कनेक्शन होता है। मतलब जैसे जैसे दिन ढलने लगता है हमारा बॉडी स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। सो राइजिंग सन के साथ एक पॉजिटिव वाइब लेकर अपने दिन की शुरुआत करें। सेकेंड, मेक योर टू डू लिस्ट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक टू डू लिस्ट तैयार करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। टू डू लिस्ट तैयार करने से आपका माइंड काफी हद तक क्लियर हो जाता है, जिससे फोकस्ड माइंड के साथ आप अच्छे से बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, गो फॉर स्टडी एट अराउंड 8 o'clock। सुबह फ्रेश होके 8 बजे तक हमें अपना स्टडी स्टार्ट कर देना चाहिए, और इस टाइम पे माइंड पूरी तरह से फ्रेश और रिलैक्स होता है। फॉर दैट रीजन हमारे सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को इसी टाइम पे पढ़ना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, टेक स्मॉल ब्रेक एंड ईट समथिंग। 10 बजे तक 2 घंटे पढ़ाई करके हमें थोड़ा बहुत रेस्ट लेके वॉक पे चले जाना चाहिए, या फिर कोई सॉन्ग सुनना चाहिए जिससे हमारा मूड फिर से फ्रेश हो सके। उसके बाद कुछ खाना खा के आगे पढ़ाई को लंच तक कंटिन्यू करना चाहिए। देन टेक स्मॉल नैप। लंच करने के बाद हम सभी को नींद आ रहा होता है, और इस टाइम पे आपको छोटा सा एक नैप लेना चाहिए। 1 घंटे नैप के बाद आपको कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर करना चाहिए। देन मेक योर माइंड फ्रेश। मतलब कुछ पढ़ाई करने के बाद 4-4:30 बजे के बीच में आपको अपनी पढ़ाई ख़त्म करके कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, या फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत घूमना चाहिए जिससे आपका माइंड और रिलैक्स हो सके और आगे पढ़ाई के लिए तैयार रहे। देन कंटिन्यू योर स्टडी अनटिल डिनर। 6:30 बजे तक आपको फ्रेश होकर कुछ टिफिन करके अपने पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए, और इस टाइम पे आपने जो भी चीज़ों को पहले पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करना है, जिससे जो भी पढ़ाई आपने अभी तक की है वो सब एक बार रिवाइज हो सके। देन कोई नए टॉपिक के साथ रात की पढ़ाई ख़त्म करना है, और जल्दी से डिनर लेके रात को जल्दी सोए, जिससे अगले दिन फ्रेशनेस के साथ पढ़ाई शुरू कर सके। एक बोनस टिप, आज हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गया है, लेकिन हमें जितना हो सके अपने मोबाइल और लैपटॉप को कम यूज़ करना है, जिससे हम डिस्ट्रैक्टेड ना हो और एग्जाम के लिए फुल कंसंट्रेशन के साथ प्रिपरेशन कर सकें। आई होप ये रूटीन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप कुछ नया ऐड करना चाहते हैं जिससे स्टडी सेशन और इफेक्टिव हो सके तो कमेंट्स पे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।